ओके गाइस देन देखिए, कल के सेशन में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे स्लाइडर के नीचे जो वेयर प्लेट रहता है उसमें अगर फिंगर पिन जो आ जाएगी तो उसके लिए केस हम लोगों ने रिलीज किया था, ऐसा स्लॉट बनाया था, और सेम स्लॉट हम लोगों ने कोर प्लेट में बनाया था इस तरीके से। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये पिन है ना जरा लंबी हो जाती है, ट्रेवल अगर बढ़ेगा तो पिन भी लंबा हो जाएगा, तो आपको ये जो स्लॉट है ना ये ओपन भी करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लो कि अपना ये जो पिन है ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, मतलब ज्यादा ट्रेवल हो गया, तो और आपका कभी कभी ये जो हाउसिंग है ना इसमें स्लॉट आपको ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्लोज कंडीशन में, बट मैं आपको बता दूं कि जरूरत पड़ने के बाद आप इसको ओपन भी कर सकते हो, ये नीचे वाली प्लेट में भी और वेयर प्लेट में भी। कल की सेशन में हम लोग वेयर प्लेट देख रहे थे, उसका हम लोगों ने एक पार्ट फाइल बनाया था, और वेयर प्लेट यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाली बॉटम फेस का लिंक लेके इसी फेस का आउटर बॉडी का लिंक लेके यही लोकेशन पे वेयर प्लेट हम लोगों ने मॉडल किया था। तो इस स्लाइडर में अभी एक स्लाइडर में मिनिमम कितने एलिमेंट बैठते है, स्लाइडर खुद होता है, कभी कभी स्लाइडर का जो आगे का एरिया है वो एक इंसर्ट बन जाता है, मतलब आपको ये पीछे वाला जो स्क्वायर बॉक्स है इसको हम लोग स्लाइडर का बॉडी बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोर ब्लॉक को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी ये क्या इंटीग्रेटेड एक सिंगल स्लाइडर हम लोगों ने बनाया, कभी कभी क्या होता है मल्टीपल इंसर्ट रहते और नीचे वाला जो बॉडी रहेगा वो सिंगल रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पॉकेट कर दू, यहां से स्प्लिट कर दूंगा, तो भी क्या हो जाएगा ये दो अलग अलग पार्ट हो गई, आगे का इंसर्ट बन गया और पीछे का ये अलग क्या हो गया, होल्डर हो गया। और इस इंसर्ट को कैसे बिठा दे सॉरी, इस इंसर्ट को हम लोग इस बेस में पॉकेट बनाएंगे, स्क्वायर पॉकेट बनाएंगे और फिर इसको बिठाएंगे। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो पीछे का बॉडी है ना ये बड़ा हो जाता है। आगे हम लोग कोई बड़ा स्लाइडर डिजाइन शेयर करूंगा मैं आपको, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इसको मैं स्प्लिट हटा देता हूँ, ये इंटीग्रेटेड वन बनाया हम लोगों ने। और इस स्लाइडर के बाद गाइड रेल है, और उसके बाद फिंगर पिन है, फिर वेयर प्लेट भी है। तो वेयर प्लेट दो रहते हैं, मैंने जस्ट जैसे कल बताया था, एक रहता है बॉटम में और एक रहता है स्लाइडर के बैक साइड में, यानी कि ये जो टेपर पोर्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन में यहाँ पे। तो आज के सेशन में हम लोग उसी का डिजाइन करेंगे। साथ में ही हम लोग उसका मटेरियल देखेंगे, थिकनेस देखेंगे और साइजेस भी देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन भी बना रहे हैं और हम लोग मॉडल भी बना रहे हैं, और उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस सेशन में। अगला जो रहेगा मोड उसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, मैं आपको मॉडल बनाने के लिए बोलूंगा, मैं जस्ट गाइडलाइन दे दूंगा। तो आपको ये जो ट्रेनिंग चल रहा है इसमें खास करके ध्यान देना है कि बनाने का तरीका क्या है, उसके पीछे के पॉइंट जो भी है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट करने की कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, उसके लिमिटेशंस क्या है और क्या कर सकते। तो फर्स्ट अभी यहाँ पे मैं स्लाइडर असेंबली में एक नया पार्ट बनाऊंगा, असेंबली में क्रिएट न्यू कंपोनेंट। ये जो तरीका ये सेम है, हर पार्ट, हर कोई नया पार्ट ऐड करना है तो आपको इसी हिसाब से क्रिएट न्यू कंपोनेंट, जैसे कि अभी डिजाइन का ये जो पार्ट है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अभी मैं भूल गया तो मैं वापस चेक कर लेता हूँ, मेरा डिजाइन जहां पे भी रखा है। तो ये मेरा पाथ है, इसको मैं कॉपी करूंगा और नया फाइल बनाएंगे, क्रिएट न्यू कंपोनेंट्स। स्लाइडर असेंबली को मैंने वर्क पार्ट किया है, वो बोल्ड में दिख रहा है स्क्रीन पे, और फिर वो पाथ में यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अभी मैं क्या कंटिन्यूस डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, डे
डेली में कंप्यूटर बंद करता हूँ फिर चालू करता हूँ क्लास के टाइम पे। इसके लिए ये पाथ है ना वो चेंज होते जा रहा है। जब आप कंटिन्यूस डिजाइन करोगे तो वन टाइम दे दोगे तो वेज वेयर प्लेट, उसके लिए नाम देंगे हम लोग वेज वेयर प्लेट। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट बना लिया। अभी यहाँ पे प्लेट बनाने के पहले सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, स्लाइडर का बॉडी का साइज क्या है। देखिए स्लाइडर छोटा भी हो सकता है, मतलब 30 mm का स्लाइडर है, 20 mm का भी हो सकता है मिनिमम, और 200 mm का भी हो सकता है, 500 mm का भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हम लोगों को ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर का जो जहां पे हम लोग वेयर प्लेट लगाने वाले हैं ना उसका साइज पता होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे 32 by 32 mm का है स्पेस, ये एक स्पेस रहता है जहां पे हम लोग यहाँ पे वेयर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। यही एक फेस रहता है जो कांटेक्ट में आता है कैविटी ब्लॉक के साथ, हम लोग सेक्शन में देखेंगे। ओके, ये पीछे जो टेपर पोर्शन दिख रहा है वो उसका वेयर फेस है, और यहाँ पे हम लोग स्लाइडर ब्लॉक में इधर कैविटी ब्लॉक में वेयर प्लेट दे सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों में से एक फेस में हमें वेयर प्लेट प्रोवाइड करने है। तो देखिए अभी स्लाइडर में मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास 32 by 32 का एरिया है। अभी 32 mm अगर आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो काफी कम हो जाता है, लेकिन जब 100 mm का स्लाइडर रहेगा तो उसमें आपको काफी बड़ी जगह मिलेगी। अभी ऐसे जो स्लाइडर रहते हैं छोटे टाइप के, जैसे कि 30 mm है, 40-50 mm तक, कभी कभी 100 mm तक का भी स्लाइडर, ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि इसका मटेरियल हार्डन ले ले, हार्डन इन द सेंस H13 ग्रेड का ले लेंगे और फिर उसको हार्डन कर लेंगे, तो क्या वेयर प्लेट लगाने का टेंशन ही नहीं रहेगा, ये पार्ट खुद हार्डन डाल देंगे पूरा का पूरा ये स्लाइडर बॉडी। जैसे कि 30 mm का है तो ये बहुत छोटा हो गया, तो इस कंडीशन में ज्यादा लोग इसके पीछे हार्ड वेयर प्लेट लगाओ ऐसा वगैरह सोचता नहीं, क्योंकि इटसेल्फ इसका साइज ही छोटा है, तो इसको क्या वेयर प्लेट अलग से लगाने का ऐसा सोचते, तो इसी पूरे बॉडी को हार्डन कर देते। अभी इसका साइज अगर चेक करेंगे हम लोग तो ये लगभग क्या साइज दिखाई दे रहा है, 89 by 30 by 30, 40 और ये 40। तो ऐसे जो टाइप का स्लाइडर रहेगा ज्यादातर लोग हार्डन ही डाल लेते। अगर हार्डन नहीं डाला है हम लोगों ने तो हमें यहाँ पे उसका जो वेयरिंग फेस रहेगा वहां पे एक ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा जिसमें वो वेयर अगर टेयर वेयर एंड टेयर होता है तो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए स्कोप मिलेगा। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे सोच रहे कैविटी के साथ अगर चेक करेंगे तो ये एरिया कुछ ऐसा था। अभी यहाँ पे कल हम लोगों ने पॉकेट बनाया था कैविटी में, बट हुआ क्या, हम लोगों ने ज्यादा रिलीज कर दिया स्लाइडर के पीछे का जो एरिया है। यहाँ पे ये टेपर पोर्शन तक होना चाहिए, मैंने बताया आपको कि ये मिनिमम आप मतलब कितना 80% गाइड रखो, अगर नहीं 80% जगह नहीं तो 80% 70% रख सकते हो, बट अगर जगह है तो आप 100% भी रखेंगे तो चलेगा। अभी 100% इन द सेंस क्या, सामने से जहां के जहां जो भी फेस है वहां पे प्लास्टिक फील होने वाला है, उस फेस के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आपको बैक साइड से वहां तक वेजिंग करना है। तो ये हम लोगों ने रिलीज किया था, उसका रीजन था यहाँ पे क्या आ रहा है, गाइड रेल्स। ओके, साइड से तो गाइड रेल आ रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने रिलीज किया था, बट एग्जैक्टली गाइड रेल के बीच में जो एरिया है वहां पे हम लोग स्टील ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले थोड़ा सा स्टील ऐड कर देंगे जो भी हम लोगों ने इसका कम कर दिया है। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया था, बॉक्स, थोड़ा रिवर्स जाऊंगा मैं, ऐसा एक बॉक्स बनाया था फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर डाला। ओके, फिर यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे स्टील बिल्ड करूंगा,
अभी थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है यार, कमांड तो मिलते नहीं है जल्दी से। चलो सर्च कर लेते हैं क्या चाहिए मुझे। एनलार्ज, एनलार्ज की स्पेलिंग बराबर है ना यहाँ पे, एनलार्ज फेस। ओके मिल गए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगा। इसमें थिकन करेंगे, ऊपर ऊपर तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टील ऐड करने के लिए स्कोप था, वो मैंने ऐड कर दिया। एक सरफेस बनाया था अनवांटेड, उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी देखेंगे हम लोग सेक्शन व्यू में, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ तक गाइडिंग मिला है हमें। ये गाइड हम लोग पूरा देने का रीजन ये है कि इसके सामने से इंजेक्शन प्रेशर लगता है तो स्लाइडर ओपन होने के चांस रहते, तो ये अभी ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा मोल्डिंग हो रहा है, यहाँ तक लगभग दे दिया मैंने, मतलब 95% तक मैंने उसको बैक साइड से ये दे दी। अभी इसमें वेयर प्लेट बैठेगा, अभी स्लाइडर और फिंगर कैम के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे काफी कम डिस्टेंस है, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं कि हम लोग उसमें पॉकेट बना पाएंगे। 10 mm का स्टील है और स्लाइडर भी काफी छोटा है, तो हम लोग स्लाइडर के ऊपर वापस से एक वेयर प्लेट देने का सोच नहीं सकते क्योंकि उतना जगह ही नहीं उसके ऊपर माउंट करने के लिए। तो बेटर रहेगा हम लोग यहाँ पे इस स्पेस में प्रोवाइड करेंगे वेयर प्लेट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रेडियसेस है, इसको निकाल लूंगा मैं। वेयर प्लेट का थिकनेस हम लोग कितना प्लान कर रहे हैं, 8 mm। तो सबसे पहले इसको मैं 8 mm ऑफसेट कर देता हूँ, पीछे ले लेता हूँ 8 mm, इसको ऑफसेट कर दिया। और मेरे पास 32 by, अभी जो एक एरिया है वो बढ़ गया, एक मिनट। ये जो डिस्टेंस है ये है 32 mm, और यहाँ पे डायगनली चेक करेंगे तो लगभग 30 mm का डिस्टेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी ले चुके हैं वेज वेयर प्लेट। अभी सेम लोकेशन पे आप अगर बनाना चाहते हो तो वे इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ से लिंक में एक रेफरेंस फेस ले लो, ले सकते हैं आप। ऐसा कि फेस ले लिया और फिर उस फेस के ऊपर आप अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, वही लोकेशन में आपको वेयर प्लेट मिलेगा, आपको अलग से कुछ नया उसका पोजीशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर ही बना रहा हूं और आपको क्या एक आइडिया आ जाता है कि साइज कितना लेना है, ठीक है। तो वेयर प्लेट के हिसाब से आपको साइज लेने में भी परेशानी नहीं होती, वेयर प्लेट का रेफरेंस के हिसाब से, सॉरी। तो ये मैं डिस्टेंस डाल रहा हूं उसमें, ये तो फिक्स हो गया, इसमें मुझे कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, 32 उधर है तो 30 mm हम लोग इसमें ले लेंगे और जो डिस्टेंस रहेगा एच से ये हमें सेंटर में चाहिए, वही सेंटर में चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लाइन मारना पड़ेगा रेफरेंस के लिए,
डिस्टेंस ही चेक कर लेता हूँ, मेरे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के पहले करना चाहिए था। ये डिस्टेंस है 38 mm और हम लोग 30 का लगा रहे, तो यहाँ पे लगभग 4 mm का डिस्टेंस रहेगा पर साइड, इक्वल अगर चाहिए तो। ठीक है, तो इस साइज का मैं प्लेट बनाऊंगा, फिर वहां पे इसको एक्सट्रूड करना है मुझे, 8 mm तक थिकनेस देना है और फिर यहाँ पे मेरा प्लेट बनेगा। आगे का जो फेस है ओनली रेफरेंस के लिए था, उसको डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे ये प्लेट कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे इसके जो एंगल है वो सही नहीं है, तो इसके एंगल भी थोड़ी चेंज कर लेंगे, रिप्लेस फेस कर लेंगे इसको, क्योंकि जब भी बनाएंगे तो ये प्रॉपर पोजीशन में जाके बैठना चाहिए। ये बनाए किधर, सॉरी, कुछ ऐसा मैंने इसको फेस को रिप्लेस किया है, क्योंकि जब भी प्लेट जाके बैठेगा तो उसके लोकेशन में परफेक्ट जाके बैठेगा, ये एंगल हम लोग को उसमें देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप देखिए मैंने पीछे इसके प्लेट लगा दिया, अभी इस प्लेट को होल्डिंग कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें होल्डिंग कैसे होनी है। दो टाइप से कर सकते, या तो प्लेट को सामने से स्क्रू लगा सकते हो, मिनिमम 2 स्क्रू इतनी बड़ी प्लेट को चाहिए, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो आप 50 mm पिच के ऊपर 1 स्क्रू ऐसा प्लान कर सकते हो, क्योंकि स्क्रू का काम रहता है प्लेट को होल्ड करके रखना, इसके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर रहता नहीं है। एक तो सामने से आप सीएस के स्क्रू लगा सकते हो और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टैपिंग देना पड़ेगा इस फेस के ऊपर, वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। छोटा मोल्ड रहेगा तो हम लोग एंगल में खड़ा करके ड्रिल मार भी ले सकते हैं, बड़ा प्लेट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग के जो पीछे का जो वेज ब्लॉक जो है जो अभी इनबिल्ट हाउसिंग में है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इंसर्ट में बना लेते हैं बाहर। तो भी यहाँ पे मुझे छोटा प्लेट है तो साइड से यहाँ से इसको ये करना पड़ेगा, टैपिंग देना पड़ेगा, तो दो मैं डायगोनली दे दूंगा, इसको क्लिक करता हूँ, इस फेस के ऊपर एक छोटा सा रेडियस देना पड़ेगा एंट्री के लिए, R2 दे देंगे, और फिर इसके ऊपर हम लोग बोल्ट का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, वेयर प्लेट का काम क्या रहेगा, वेयर प्लेट का काम क्या रहेगा, स्लाइडर को सर अलाइन करके वो रखने का, हिले ना ताकि मेरा वो पोजीशन पे सेट रहे, पोजीशन में, पोजीशन पे सर सेट रहे, हिले ना मेरा स्लाइडर, पोजीशन में सेट रहना चाहिए। ओके प्रवीण, आप आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए स्लाइडर का काम, क्या होना चाहिए, सॉरी वेयर प्लेट का काम क्या है? वेयर प्लेट का सर ये होता है, अगर बार बार जैसे क्या था काफी, मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मान लीजिए 1-2 साल के बाद डाई अगर खराब हो जाती है तो वेयर प्लेट हम चेंज करके दोबारा से ऐसे मतलब उसी पोजिशन पे ला सकते हैं, और मान लीजिए एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। बराबर, दोनों चीजें हो जाएगी। ये देखिए वेजिंग का काम है स्लाइडर को रिटेनिंग करना उसकी एक्चुअल पोजीशन में, वेजिंग 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 इन द सेंस क्या हो गया, ये पीछे का जो ब्लॉक है ये वाला टेपर वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा, उसको स्लाइडर जब पीछे आने का सोचेगा इंजेक्शन प्रेशर की वजह से पीछे बैक प्रेशर में आएगा,
रिवर्स काम करेगा तो उसको होल्ड करेगा ये पीछे वाला वेज वाला एरिया। और वेयर प्लेट हम लोग इसके लिए लगाते, अभी देखिए जैसे कि मैंने स्लाइडर बना लिया, लेकिन स्लाइडर बनाऊंगा तो जीरो जीरो तो बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग ही, परफेक्ट मैचिंग आना चाहिए बराबर। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने इसको बनाया, थोड़ा सा मटेरियल इधर रह गया मेरे से, तो स्लाइडर थोड़ा ज्यादा अंदर आएगा तो फिर पार्ट में खड्डा आएगा, ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हो ना, अगर ये थोड़ा अंदर आ जाएगा तो पार्ट में खड्डा आ जाएगा, और पीछे हो जाएगा तो पार्ट में मटेरियल एडिशन हो जाएगा बराबर। तो वहां पे डायमेकर को स्कोप होना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए, वही स्कोप हम लोग इस वेयर प्लेट के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं। ये तो फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने वेयर प्लेट ही नहीं लगाया, वेयर हो रहा है कैविटी का ये पोर्शन, ये टेपर में दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या बार बार घसेगा तो क्या होगा, वेयर होगा कि नहीं होगा? जी होगा, होगा ना, वेयर होगा। जब भी ये वेयर होगा तो क्या होगा, स्लाइडर धीरे धीरे उसके अंदर क्या बनेगी, गैप बनेगी, मटेरियल निकल जाएगा। अगर मटेरियल निकल गया मोल्ड से तो इसमें क्या बनेगा, गैप बनेगा, और जो भी गैप बनेगा उतना स्लाइडर क्या होगा, पीछे आ जाएगा। जी आ सकता है ना पीछे, अगर पीछे अगर फ्रिक्शन हो के मटेरियल निकल गया, पतला हो गया यहां से, तो उसके ऊपर खराशे आ गई और पीछे गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा। अभी ये तो बड़ा दिख रहा है वेयर प्लेट, लेकिन 0.1 का 0.5 का भी गैप बन गया तो ये 0.5 पीछे आ जाएगा और फिर आपका पार्ट का क्वालिटी खराब कर देगा, मैच नहीं होगा। तो वो चीज अकोमोडेट करने के लिए वेयर प्लेट का काम रहता है कि उसको हम लोग एडजस्ट कर सके, परफेक्ट मैचिंग कर सके, इसके लिए हम लोग वेयर प्लेट दे देते हैं। अगर इसमें अगर स्लाइडर में गलती से स्टॉक छूटता है तो वेयर प्लेट को कम करेंगे, स्लाइडर 0.0 बनता है तो वेयर प्लेट भी परफेक्ट साइज का बना के डाल देंगे। बट जब भी वेयर प्लेट वेयर हो जाएगा देन वी कैन रिप्लेस वेयर प्लेट विथ न्यू वन, ये मेन इसका काम रहेगा। तो अभी दोनों तीनों जो भी रीजन थे मैंने आपको शेयर कर दिए, उस हिसाब से आपको वेयर प्लेट को देखना है, उसका काम जानना है और उसके ऊपर काम करना है। वेयर प्लेट की मटेरियल का जो भी डिटेल्स मैंने आपको दिया वो रहेगा EN31 वाला मटेरियल रहेगा, EN8, EN19, OHNS, H13, EN31। अभी आज की डेट में EN31 बहुत ज्यादा चलता है, SKD11 करके भी आता है, वो थोड़ा महंगा है। EN31 हम लोग ले सकते हैं 55 से लेकर 60 HRC तक, उसको हार्डन भी कर सकते हैं। अगर आपका स्लाइडर और वो वेयर प्लेट दोनों भी हार्ड है तो आपको वेयर प्लेट का हार्डनेस थोड़ा कम रखना है, जैसे कि स्लाइडर का हार्डनेस है 58 HRC, ओके, तो इसको आपको कम रखना है, 54 रखना है, 55 रखना है, क्योंकि वेयर होना चाहिए। लेकिन कौन सा चीज वेयर होना चाहिए, स्लाइडर वेयर होना चाहिए कि वेयर प्लेट? वेयर प्लेट। तो वेयर प्लेट वेयर होनी तो उसका हार्डनेस भी कम रखना पड़ेगा। जी तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है वेयर प्लेट डिजाइन करने के टाइम, और जब भी आप इसका ड्राइंग। अभी यहाँ पे मैंने एक रेडियस लगाया था मशीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि कोर ब्लॉक में स्लाइडर को हाइड कर देता हूं। यहाँ पे कैविटी में मैंने एक रेडियस लगाया, तो वहां पे क्या रहा है, अभी ये जो प्लेट लगाया हम लोगों ने वेयर प्लेट, उसका शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो मुझे वहां पे इसके में क्या लगाना पड़ेगा, एक चैम्पर लगाना पड़ेगा। एक चैम्पर दे देते हो आप तो वहां पे आपको, अभी यहाँ पे चैम्पर नहीं लेगा क्योंकि होल फुट रहा है, होल हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी पहले होल शिफ्ट कर लेंगे। होल जो लोकेशन पे दिया ना वो एकदम एक्सट्रीम एंड पे दे दिया, ऊपर वाला तो नीचे आ गया लेकिन ये एंगल में फुट रहे तो उसको थोड़ा अंदर लेंगे। जो भी हम लोग डिजाइन बना रहे हैं वो कंप्लीट हिस्ट्री बेस है, आप कभी उसको एडिट कर सकते हो, और ऐसे ही होना चाहिए। अगर डिजाइन में मॉडिफिकेशन करना है तो असेंबली फाइल में हम लोग बना रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके प्रत्युष,
असेंबली फाइल आप बनाओगे तो आपको एडिटिंग में इजीनेस रहता है। और प्रवीण आप तो सिंगल फाइल बनाने में माहिर हो, बट असेंबली भी सीख लो धीरे धीरे। सर मैं धीरे धीरे करूंगा ऐसे भी। वो जरूरी है क्योंकि देखिए छोटे प्रोजेक्ट में आप तो कर ही लोगे, बट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना, तो वहां पे फिर आपको अगर सिंगल फाइल में करोगे तो फिर मतलब आपको परेशानी हो जाएगी, काम करने में मजा नहीं आएगा। यहाँ पे हैवी तो जाती फाइल, फाइल भी हैवी हो जाती है। और एलिमेंट भी देखिए, अभी मुझे कैविटी हाइड करना है तो मैं राइट साइड पे हाइड कर लेता हूँ ना, मैं थोड़ी ना लेयर में जाऊंगा फिर ढूंढूंगा कौन सा लेयर पे कैविटी है, कौन सा लेयर पे फिंगर कैम रखा है, बराबर कि नहीं। यहाँ पे मुझे साइड में दिखता है, अभी देखिए स्लाइडर असेंबली खोल लिया, पूरा स्लाइडर का सब चिट्ठा कच्चा सामने आ गया जी। अभी पूरा स्लाइडर बंद करना तो एक क्लिक में बंद हो जाएगा, वहां पे मुझे लेयर ढूंढता बैठना पड़ेगा। वो मतलब वो फर्क है, आसानी हो जाती है। तो देखिए ये वेयर प्लेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा कलर भी दे दिया अलग, चलो समझ में आएगा कि अलग अलग क्या कौन सा पार्ट। तो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया और इस तरीके से ये वेयर प्लेट हो गया। इसके लिए मैंने 3-4 मटेरियल सजेस्ट कर दिया आपको, आपने आपको थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना है, हार्डनेस भी। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी इसमें बढ़िया से सपोर्ट भी मिलेगा और ये वेयर प्लेट भी सही लोकेशन पे बनाया है, लगाया है। अभी इसमें टैपिंग करना बाकी है कैविटी के हिसाब से, सॉरी स्क्रू के हिसाब से कैविटी में, तो वो भी कर लेते हैं। या तो आप इसमें टैपिंग देख सकते हो और यहाँ पे इस प्लेट में ये बाहर वाली साइड से काउंटर बोल्ट भी डाल सकते हो, ये भी प्रोविजन रख सकते हो वाइस वर्सा। लिमिटेशंस डिजाइन के लिए कुछ भी नहीं होती, लेकिन हम लोगों को मशीनिंग फिजिबिलिटी ध्यान में रखनी है, वही एक लिमिटेशन है कि जो चीज हम लोग बना रहे हैं वो मशीनेबल चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जब डिजाइन कर ही रहे तो वो उस मतलब वर्क भी होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था खाली मशीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं, वर्क भी होना चाहिए। दोनों चीजें हम लोगों को फोकस करनी है हमेशा एज एन डिजाइन इंजीनियर। कभी कभी क्या होता है मशीन में लिमिट लग जाती है कि एंगल हम लोग कर नहीं सकते, तो फिर इस साइड से नहीं कर सकते, लेकिन बैक साइड से अगर इस होल को मैं थ्रू करूंगा और इस प्लेट को ऐसा रखूंगा, बराबर कि नहीं, तो पॉसिबल हो सकता है अगर ऐसा, तो दोनों साइड से। और डिजाइन करने का भी एक जो तरीका मैं कर रहा हूं ना वही सही ऐसा नहीं हो सकता, हर डिजाइनर की अलग अलग अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है, जो जिस वे से मैं कर रहा हूँ शायद आपको वो अच्छा ना लगे, बट अभी ये जो वे मैं शेयर कर रहा हूँ ना ये हम लोगों ने मतलब कंटिन्यूस काम करते करते उसमें से बेस्ट वे फाइंड आउट किए थे, और इसमें से जो बेस्ट वे वही मैं शेयर करता हूँ, और मैं मेरे डिजाइन की प्रैक्टिस में भी बेस्ट वे यूज करता हूँ। अभी देखिए जैसे कि मैंने स्प्लिट को मैंने इसका क्या कर दिया, पार्टिंग सरफेस का लिंक लिया, उसको एक्सटेंड किया और फिर एक्सट्रूड किया, तो मुझे क्या रेडीमेड डायमेंशन मिल गया ना, रेफरेंस मिल गया, बाहर चेक करो फिर डालो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें स्क्रू लगेंगे वेयर प्लेट में। ठीक है, अब स्क्रू का साइज चेक करना पड़ेगा, शायद थोड़ा बड़ा हो गया, हम लोगों ने M4 का डाला था हेड, तो ये हेड कितने का, M5 का शायद, हाँ M5 का। और आपको एज एन डिजाइन इंजीनियर इतना चौकन्ना रहना है, आपको तुरंत कोई भी फेस देख के इसका डायमीटर के बारे में, इसका लेंथ के बारे में जजमेंट आना चाहिए। अभी मतलब बराबर बोल्टिंग दे रहा हो नहीं दे रहा हो तो समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसमें वेयर प्लेट लगा लिया। ठीक है, वेयर प्लेट बनाने का प्रोसीजर समझ गए प्रत्युष, समझ गए क्या? सर सर मेरा ना ये पीसी सर बंद था, हो गया, अभी मैंने वापस से इसको किया चालू। ठीक है, चलते चलते सर बंद हो गया था। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन ये समझ गए ना वेयर प्लेट बनाने का मेथड? हाँ सर, मैं बीच में से थोड़ा मैंने स्किप था वो कर दिया पार्ट।
ठीक है, समझ में आ गया सर। कल हम लोगों ने बनाया उसी साइड उसी तरीके से, बट आपको ये एंगल में बनाना है। जस्ट मैंने क्या एक रेफरेंस पेज लिया, उसके ऊपर स्केच बनाया और इसको उसी लोकेशन के ऊपर थिकनेस देके बना लिए, तो असेंबली करने का जरूरत नहीं पड़ा। जी सर। ओके शुभम लक्ष्य थे ना? सर, ये तो लक्ष्य। प्रैक्टिस चालू है? नहीं सर, आता सोमवार पासून पेपर असा। ओके ओके, आप पढ़ रहे हो, पेपर है आपके, ठीक है, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेथड समझ लो, जान लो कैसे करना है, ठीक है। ये तो हो गया वायर प्लेट। अभी हम लोग एक 2-3 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि 40 मिनट का सेशन खत्म होने वाला है, अपने आप मीटिंग रिस्टार्ट हो जाती है, तो वह आप लोग वापस ज्वाइन करिएगा। शायद एक बंदा निकल गया इसमें से, उनका कुछ वापस ज्वाइन के लिए पूछ रहे। आप लोग अगर ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग रहो, वापस मैं चालू करूंगा तो रीज्वाइनिंग कर लेता हूं सब। प्रवीण आपको क्लियर है ना मेथड? आवाज नहीं यार। जी सर। ठीक है, ये मीटिंग थोड़ा 2-3 मिनट के बाद वापस रिस्टार्ट होगा इसका, है ना, जूम का। अगर ज्यादा लोग रहते तो 40 मिनट में ये रिस्टार्ट हो जाता है, फ्री वाला वर्जन। ओके तो आप ज्वाइन रहो, मैं वापस 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर।